सो गाइस, फिलहाल हो चुका है पूरा रात, पूरा नहीं, 6 बज रहे आसपास। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार अभी मैं आया था यहाँ बोर चालू करने, पानी भर रहे हैं उधर टैंक पे, जो ड्रम है उस पे, तो टकली मिल गई एकदम। रुकना यार, वीडियो शूट तो करने था तो दिखाऊंगा ना। तो यार बहुत फनी, और अभी थोड़ा ये कंफर्ट हो गई है, मतलब इसे कंफर्ट फील हो जाता है, तो घुल मिल गई है। पहले तो एकदम आती ही नहीं थी अपने पास, काफ़ी एकदम भग जाती थी देख के। कौन सा चाचा हूँ मैं? अनुज चाचा। कौन सा? अनुज। कौन बताया मेरा नाम अनुज है? अनुज चाचा ना हूँ मैं, पापा। हाँ मैं तो पापा हूँ। ठीक है यार, तो मैं चलता हूँ उधर और टकली से बाद मिलता हूँ। ठीक है टकली, बाय बाय कर, बाय। तो यार अभी यहाँ ढलाई वलाई स्टार्ट होने वाला है, तो अपने बंदे लोग 4 लोग हैं, तो ये वाला भी तुरंत यहाँ से लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे ढलाई होगा। सेटरिंग वेटरिंग कर रहे हैं और उसके बाद मैं भी थोड़ा काम कर लूँगा, क्योंकि तो फास्ट होगा गाइस। इसमें मेरा वही काम जो अपना पुराना काम जो करता था मैं, बेलचा से भरने का काम, मसाला का काम है अपना भरने का, जल्दी जल्दी भरेंगे और ढलाई जल्दी से ख़त्म करने की फुल कोशिश करेंगे। बाकी सीतापुर जाने का भी प्लान था, लेकिन वो भैया फ़ोन कर रहे थे तो यार प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया, तो अपन नहीं जा पा रहे हैं। बाकी जाते तो मिलता है यार वे लोग से, अपने फ्रेंड्स लोग से, तो वहाँ सीतापुर में रहते हैं काफ़ी दोस्त लोग, उनका घर वहीं है, तो जाके जरूर मिलते हैं गाइस। बट अब नहीं जा रहे हैं, तो फिर कभी चलेंगे और मिलेंगे उनसे। तो ब्लॉग में बने रहे और चैनल बने हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पसंद आता है तो लाइक भी कर दें और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है अपना ब्लॉगिंग। बस इतना एरिया बचे रह गया है यार अभी, तो बोल रहे हैं कि बस इतने क्लिक इतना दो सेकेंड टाइम पे करेंगे, तो एक और मसाला बना रहे हैं, इतना हो जाना चाहिए या थोड़ा बहुत और बनाना पड़ सकता है, तो इतना ख़त्म करके थोड़ा भागेंगे घर, ठीक है ना। एक ही बार पूरा निपटा के ही जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं, और अब नहीं भी करना चाहिए फिर भी करना पड़ेगा, तो इतना कर लेंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा यार, इसके बाद छोटा मोटा काम करेगा। दीपक है एकदम फुटबॉल वुटबॉल खेल देता है। काम कंप्लीट हो गया है, वहाँ से लेके वहाँ तक आज कर रहे हैं, और इधर पानी वानी पटा दे रहे हैं कुमार सर, और इधर का पूरा खुल चुका है और ये सब में पानी मारे हैं, तो देख सकते हैं सब बंदे लोग अब हाथ पैर धो रहे हैं, थोड़े गंदा और रखे थे। तो गाइस लंच ब्रेक हो चुका है, सब लोग जा रहे हैं। कितना बजे आना है यार इसके बाद? 2:30 बजे आ जाएंगे, सब कोई जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, बस इसको लॉक करना बचा रह गया है, तो चलते हैं गाइस। खाना वाना खा के आते, सोचे भूख लग गया मेरे को भी। तो गाइस मैं और रोजर जा रहे हैं बतौली अपना फार्मा लेने, 4 पीस लेके आना है, तो मैं भी स्कूटी मिलाते बन जाएगा, तो यार कोशिश करेंगे स्कूटी मिलाने का, अगर नहीं बनेगा तब हम लोग 2 ट्रिप मार देंगे, तो चलते हैं बतौली। और वीडियो में बने रहे, और अच्छा लगता है तो लाइक कर रहे और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थक गया गाइस। बतौली में, और यार इसका जो छेदा वेदा रहता है वो सेम कौन सा ही खोदने में टाइम लग गया, तो बड़ा वाला का एक साइड रख और छोटा वाला का एक साइड रख, ऐसे मत डाल भाई। तो अभी इसको स्कूटी में लेके जाने वाले हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। स्कूटी तगड़ा लोड कर दिए है, पूरी बैंड बच चुकी है स्कूटी की, अगर बीच से टूट गया तो मज़ा आ जाएगा पीछे, अरे बहुत भारी है वे, माय गॉड। तो गाइस अपन लोग फार्म वगैरह लेके आ गए हैं यार, स्कूटी में लेके आ रहे थे, तो व्लॉग करते बिल्कुल नहीं बना, बिकॉज हैंडल सिंगल हाथ चलाते नहीं बन रहा था, पूरा लोड कर दिया, तो फुल लोडेड एकदम ट्रैक्टर टाइप का आवाज़ आ रहा था, मज़ा ही आ गया। तो गाइस मैं और नूब अभी जा रहे हैं अपन लोग तार खरीदने, बोतोली गए थे तो वहाँ थोड़ा फार्मा वार्मा के साइड ही गए थे, तो नहीं बनते बना खरीदते,
तो फिर अभी जा रहे हैं इधर हमर फरा जाएंगे और वहीं से लेके आते हैं। बाकी क्या ही बोले, फार्मा वार्मा ले लाए हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था स्कूटी में इतना सारा फार्मा लोड कर दिए थे, स्कूटी का मेन जो लोहा रहता है ना वही टूट जाएगा बीच से, स्कूटी ऐसे तो बीच से लोहा टूट जाता है। तो जो फार्मा लेके आए हैं उसका देख सकते हैं, ये वाला यूज़ था उसका, वहाँ 1, 2, 3, 4 फार्मा लेके आए पूरे स्कूटी में। मेरे को तो ऐसा लग रहा था डीओ का स्कूटी क्या काम से। बाकी इसको सेट कर दिए हैं, अब इसके अंदर ढलाई वलाई इसके मसाला डालेंगे फिर हो जाएगा इसका काम। बाकी एकदम रेडी हो चुका हूँ बकायदा क्रीम पाउडर मार के, और राजन अभी नहा रहा है और एकदम मस्त धूप कर रहा है यार। अपन जो छज्जा छोटा मोटा ढलाया हुआ है यहाँ 1-2 और वो तीसरा वहाँ पे है वहाँ पे, तो कुछ देर में बात करते हैं फिर। गाइस ये बंदे का नाम है राजन सर, ये बहुत हंसते हैं, बहुत नोटिस करते हैं मेरे ब्लॉगिंग करने पे, लगता है इनको भी इंटरेस्ट है, तो देख के गजब हंसते रहता है देख देख के बंदा। चल रहा है और भगत सर कैसे यार? तो भगत सर बढ़िया है बोल रहे हैं, बाकी इसे भी मसाला डाल रहे हैं, और कुमार सर इधर हैं तो शायद इसमें भी मसाला डाल रहे हैं। तो है यार वो वाला। तो ये माइक है यार और कैमरा यही है अपना मोबाइल का। तो अगर आपको मेरे गैरेज देखने हैं तो कमेंट करके बताएं, आपको बाद में दिखा दूंगा मैं कि मैं कौन कौन सा व्लॉगिंग सेटअप यूज़ करता हूँ। बताएं ड्रोनजर भी नहा लिया है और मैं तो थोड़ी देर पहले ही नहा चुका हूँ। तो यार अभी शाम काफ़ी अच्छा है और एकदम मस्त सनलाइट आ रहा है एकदम, तो मौसम तो काफ़ी ठीक ठाक है अभी, बारिश वारिश का कोई गुंजाइश नहीं और ठंडा भी नहीं लग रहा, एकदम डिसेंट सा एकदम बढ़िया एटमोसफियर अभी बना हुआ है। और अपना कहाँ गया ड्रोनजर, क्या रे बेटी उधर क्या कर रही है? तो ड्रोनजर अगर दिख रहा हो कैमरा में तो देखिए, वो देखिए उधर एकदम दूर पे वो बंदा है वहाँ पे गिट्टी पे बैठा हुआ है भाई साहब। भाई यहाँ पे अपन लोग छड़ लगा रहे हैं कुमार सर के साथ, तो इसको यहाँ पे लगाना है। देख सकते हैं नूब भी नहा के आ गया है वहाँ पे, एकदम पबजी वबजी खेलने की कोशिश कर रहा है। नेट कैसा आ रहा है वहाँ पे? तो वहाँ नेट अच्छा आ रहा है, ठंडा लगने स्टार्ट हो गया यार, ठंडी पहुँच रहा है तो यार स्वेटर वेटर डालना पड़ेगा मैं डाल। फिलहाल हो चुका है पूरा रात, पूरा नहीं 6 बज रहा आसपास, तो अभी हम लोग चलते हैं घर। लॉक ऑफ कर दिए हम, पूरे लोग चल गए मिस्त्री विस्त्री लोग, तो अपन लोग भी चलते हैं घर। सो गाइस अभी लाइट अभी आया है, इससे पहले नहीं आया, तो ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। और यार अभी खाना वाना खा के चलूँगा मैं, लाइट नहीं था उसकी वजह से आज खाना वाना लेट हो गया बनने में। तो अभी टाइम हो रहा है 7:38 PM, तो कुछ देर में चलता हूँ मैं खाना खा के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खेलिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।